मध्य प्रदेश में होने वाले 2023 के चुनाव में अखिल भारत हिंदू महासभा ने भी ठोकी ताल। अखिल भारत हिंदू महासभा ने कहा कि जहां जहां विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं वहां पर अखिल भारत हिंदू महासभा अपने उम्मीदवारों को उतारेगी और हिंदुत्व की आवाज़ को बुलंद करेगी। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महासचिव देवेंद्र पांडे ने मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी घोषणा की। अखिल भारत हिंदू महासभा ने कहा कि उनकी 6 सूत्री संकल्प है, इन्हीं संकल्पों के साथ वे चुनाव में उतरेंगे, हिंदुत्व का मुख्य एजेंडा रहेगा। वर्तमान राजनीति पर भी अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महासचिव ने कटाक्ष किया, कहा कि कुछ लोग हिंदुत्व की बात तो करते हैं लेकिन वह सिर्फ अपने फायदे के लिए। इस मौके पर अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष गौरव शर्मा एवं प्रदेश संगठन मंत्री रोहित दुबे एवं अखिल भारत हिंदू महासभा के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। भाजपा से क्या नुकसान होगा? आपकी जो आइडियोलॉजी है, जो सावरकर की आइडियोलॉजी है, हिंदू आइडियोलॉजी, और बीजेपी भी उसी आइडियोलॉजी पर काम करती है, तो कहीं आपके कारण कहीं भाजपा को नुकसान तो नहीं होगा? और अपोजिट पार्टी ने कांग्रेस का बीजेपी ने चिंता की हो कि ये हिंदुत्व का काम करने वाला व्यक्ति है, चाकुओं से गोद कैसे मार दिया गया, ये हिंदू की बेटी है जिसके साथ बलात्कार करके उसके 36 टुकड़े एक संदूक में फेंक दिए गए, ये हिंदू की बेटी है जिसके दिन आए दिन बलात्कार होता है, ये हिंदू का बेटा है जो चैन से सांस नहीं ले सकता, तो अगर ये चिंता बीजेपी करती तो ये चिंता मैं नहीं करता। मुझे बीजेपी की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो अपने राष्ट्र के लोगों की चिंता करनी है। तो राष्ट्र के लोगों की चिंता में और उनके चिंतन में, उनके हित के निर्णय में बीजेपी, कांग्रेस, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल शहीद होते हैं तो वो शहीद होना उनका ज्यादा अच्छा है लाखों लोगों के मर जाने। उनका ये कहना है कि सबसे बड़े हिंदू हैं तो वो हम हैं, बाकी सब है वो सब नकली हिंदू हैं। मुसलमानों में एक कहावत है कि नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, तो साहब हिंदुत्व की पाठशाला का एक पन्ना इन्होंने पलटा है तो पूरे विश्व में हिंदुत्व की बात करते हैं। हम लोग तो हिंदुत्व के जनक हैं, जहां से हिंदुत्व सबका उदय हुआ, जहां से सावरकर जी ने इस थीसिस को जन्म दिया, तो हमारा हिंदुत्व कैसा होगा इसकी कल्पना आप सावरकर जी को तो वो भी मानते हैं, सावरकर जी को तो वो बिल्कुल आदर्श मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं, इनको आदर्श मान रहे हैं, फिर दोनों में इतने वो हमसे ज्यादा कैसे, वो हमसे ज्यादा मानते हैं सावरकर जी, इतना विरोधाभास कैसे, वो हमसे ज्यादा मानते हैं। जब चुनाव आता है तो सावरकर जी की प्रतिमा में उस गाय की तरह माला पहनाते हैं जिसके बद पर रोक लगाने के लिए इन लोगों ने भाषण दिया था, पिपरमेंट लगा के आंख में, जो आज लेते प्रधानमंत्री हैं, रोए थे कि भारत में पिंक रेवल्यूशन हो रहा है और आज भारत पहले नंबर पर मांस का निर्याता हो गया। जब चुनाव आता है तो वोट लेने के लिए सावरकर जी याद आते हैं, इनके भाषण देखिए, इन्होंने कहा था सावरकर जी को हम भारत रत्न देंगे, दो टोपी वालों ने विरोध कर दिया, तो सावरकर जी की प्रतिष्ठा और उनका बलिदान नगण्य हो गया। तो साहब जहां मुंह देखकर देशभक्ति का जन्म होता हो, ऐसे लोगों का हम मुंह भी नहीं देखना चाहते। हम तो ये मानते हैं कि लोग देशद्रोही हैं और देशद्रोहियों का मुंह देखना भी पा। आने वाले चुनाव में किसी बात होगी तो पूरी निर्भरता के साथ आप लोग बात उठाएंगे। सब हिंदू महासभा का परिचय मैंने एक लाइन में पहले बताया, हम जो कहते हैं वो करते हैं। गांधी जी का जब वध किया गोरसे साहब ने, तो गोरसे जी ने कोई छुप कर नहीं मार दिया उनको, ऐसा नहीं किया कि धोखे से उनको मार दिया। उसके पहले उन्होंने 15 दिन पहले गोली चलाई, उसके पहले उन्होंने समझाया कि ये समाज के अंदर में गोरसे की स्वीकारता नहीं है। जो समाज गोरसे जी को नहीं समझ पाया वो समाज ये, और उसके बाद में कुछ पैसे दम पे बिके जाते हैं उसके तो प्रधान लेके आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ तो सबसे पहला विधान है, हमारा जो हिंदू महासभा का परमानेंट एजेंडा है उसका पहला ही बिंदु है कि कोई भी सांसद विधायक जो हिंदू महासभा का जीत के जाएगा, वो वहां से मिलने वाला जो सैलरी है उससे लेकर कोई भी सुविधा ग्रहण नहीं करेगा। ये हमारे एजेंडे का पहले से शामिल बिंदु है। तो जब हम उनसे किसी भी तरीके की सुविधा ही नहीं ले रहे हैं, तो हमारा जो भी विधायक जीत के जाएगा वो नौकर नहीं मालिक होगा, और भारत में जो भी व्यक्ति तनख्वाह लेता है वो नौकर होता है, और जो मालिक होता है वो तनख्वाह नहीं लेता। इस देश का राष्ट्रपति से लेकर विधायक पार्षद तक ये सब नौकर है, लेकिन हमें नौकर चुनना नहीं आया तो हमारा नौकर मालिक बन गया और मालिक नौकर बन गया। इस विषमता को हम खत्म करने की दिशा में काम करें।
करना चाहते हैं। बंदूक की दम पर देशभक्त पैदा हो, बिल्कुल हमेशा देख लीजिए, जब देश गुलाम था तब भी बंदूक नहीं होती तो चरखा चलाने से हम और आप आजाद नहीं हुए होते, किसी मुगल के यहाँ अपनी कटाकर बकरा काट रहे होते, वो उसके धूप में पालिश कर रहे होते, या किसी ब्रिटिशर्स के नौकर होते, आजादी चरखा चलाने से नहीं बंदूक उठाने से आई। भारत की स्वतंत्रता में ये बात लिखी गई है कि भारत की सेना ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति वफादार नहीं रही, यही कारण था कि हमें स्वतंत्रता मिली। तो मुझे लगता है कि इस राष्ट्र को मजबूत बनाना है तो देश के युवा को इस बात को समझना पड़ेगा कि वो देशभक्त है और इस देश के प्रति उसका क्या दायित्व। दूसरी बात आपने कही कि मिलावटखोरों को हम गोली मार देंगे, उसके दोष से दूर आए, तो कहीं जो हिंदू समाज है वो तालिबानी जो एक परंपरा है या तालिबानी जो सोच नियम है जिसे हम सरिया कानून कहते हैं, क्या हिंदू की जो परंपरा है वो जो तालिबानी कानून के हिसाब से चलेगा? नहीं, तालिबानी कानून और इस कानून में बहुत फर्क है। आज ये देखिए कि कभी इस भारत के किसी शहर में हम लोग सुनते थे कि फलाने सेठ को हार्ट अटैक आया, तो साहब आज पहला अटैक आया तो उससे मिलने वाले लोग दुखी होते थे, फिर 6 महीने बाद दूसरा अटैक आया तो थोड़ा सा दुख बढ़ गया, जब तीसरा अटैक आया और बच गया तो लोग सेलिब्रेट करते थे कि 3 अटैक में बच गया, हृदय का बड़ा मजबूत है। आज 15 साल के 25 साल के 30 साल के लड़के को हार्ट अटैक हो रहा है सर, उसका कारण यह है कि हमारे सामने जो भोजन परोसा जा रहा है वो मिलावटी है। अभी हम लोग ये लेस खाते हैं सब, बड़े गर्व के साथ खाते हैं, उस पर रिसर्च पे हमने जब सर्च किया तो शुगर की चर्बी से बनाया जा रहा है, धोखा देके हमें शुगर की चर्बी खिलाई जा रही है। ऐसे लोगों को गोली नहीं मारी जाए तो हम अपना धर्म भी खत्म कर दें, अपना शरीर भी खत्म कर दें, तो जब हमारे देश का युवा शारीरिक रूप से कमजोर हो जाएगा तो हम भी जुड़े गुलाम हो जाएंगे। हमारे समाज के ही खबरें वो आती है कि खाने में भूख देना, गंदगी मिला देना, इस तरीके के जो वातावरण भारत में बना है, तो ये सनातनी परंपरा का भारत है जहां हम स्नान करने के बाद भोजन कर लोग में से ज्यादा हुए हैं। हमारी सरकार बनी तो उसको हम 50% में किसी भी कंडीशन में लेके आएंगे, और साथ ही हमारा एक अंतिम बिंदु है कि किसी भी सरकार के किसी भी योजना की हम आलोचना नहीं करते, किसी भी उसकी योजना पर हम बहस नहीं करना चाहते। जितनी भी सरकारें हैं, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं जो चुनाव मैदान में हैं, चुनाव लड़ना चाहती हैं, उनमें से जिनके भी एजेंडे में जनता को उपहार स्वरूप कुछ भी देने के लिए है, चाहे बिजली हो, चाहे राशन हो, चाहे गैस हो, चाहे किराना हो, उनसे 2 गुना ज्यादा उपहार देने का मैं वादा करता हूँ। कोई सरकार अगर कहती है कि मैं बहनों को 3,000 दूंगा तो उसको जनता को जोड़ लेना चाहिए कि हिंदू महासभा ने कहा था डबल तो 6 है। अगर किसी ने कहा है कि गैस की सब्सिडी जो है हम 500 रुपए में करेंगे तो ये मान लेना चाहिए कि 250 रुपये। किसी ने अगर कहा कि तेल फिर हम 100 रुपए लीटर लेके आएंगे तो साहब उसका 50% में आप सीधे आ जाइए। तो इस तरीके की योजनाएं हम इसलिए लागू करना चाहते हैं कि हम लोग राष्ट्रभक्त लोग हैं, हम लोग सत्तासीन लोग नहीं है, हम लोग धर्मयुक्त राजनीति करते हैं। जबकि आज का वातावरण ऐसा बन गया है कि राजनीति जो है वो दूषित हो गई है, हमारा धर्म जो है राजनीति में शामिल हो गया, इसलिए मजबूरी में ही सही हमारे साथियों ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री नारायण सिंह जी बैठे हुए हैं, प्रदेश महामंत्री विनोद जोशी जी बैठे हुए हैं, प्रदेश के संगठन मंत्री रोहित दुबे जी हैं, हमारे उपाध्यक्ष शिव कुमार जी हैं, क्योंकि ये प्रदेश के मुखिया हैं, इन सब ने चर्चा की और हमारे ऊपर दबाव बनाया कि भाई साहब चुनाव से हमें अलग नहीं रहना चाहिए, हमें चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आज मध्य प्रदेश के इलेक्शन को लेकर हमारी ये पहली घोषणा है। अभी हमारी घोषणाएं प्रदेश की कार्य समिति की बैठक में और निखार आता चला जाएगा, लेकिन जो घोषणाएं हो गई है वो पत्थर की लकीर है, उसमें किसी तरीके का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। हमारी बात समाप्त हुई।